खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रूबिका लियाकत और अब एबीपी न्यूज के सीधा सवाल का काफिला पहुंच गया है नजफगढ़। अगर आप नजफगढ़ में रहते हैं तो आइए अनाज मंडी में अपनी बातें नेताओं के सामने रखिए, अपने सवाल नेताओं से पूछिए। लेकिन आज जो सीधा सवाल में हम पूछ रहे हैं वो है अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर सवाल। आप जानते हैं अभी कुछ देर पहले अनिल वाजपेयी जो कि विधायक थे आम आदमी पार्टी के, बीजेपी में शामिल हो गए विजय गोयल की मौजूदगी में, और इसी का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में किया। पूछ रहे हैं कि कितने विधायक खरीदेंगे और जितने खरीदेंगे पैसा कहां से लाएंगे। सीधा सवाल तो यही है कि बात सांसदों की होनी चाहिए, मतदान सांसदों का, लेकिन घमासान विधायकों पर क्यों? सीधा सवाल की शुरुआत करें उससे पहले नजफगढ़ की जनता का अभिवादन, एबीपी न्यूज की तरफ से जोरदार तालियां। जल्दी से रिपोर्ट देखिए और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। दिल्ली के मतदान से पहले विधायकों पर घमासान, केजरीवाल ने लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त का इल्जाम। पिछले तीन दिन में हमारे सात विधायकों ने बताया है कि उनको उनके पास बीजेपी वाले आए हैं और 10-10 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए। ये प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। बीजेपी ने कहा केजरीवाल से परेशान आपके विधायक, सात नहीं 14 लोग ऐसे हैं जो इनकी आम आदमी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, और फिर 10-10 करोड़ की बात करते हैं तो उनसे पूछिए कि जिस समय पिछली बार जब वो विधानसभा के चुनाव लड़े थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों को लेकर गए थे और उनको चुनाव लड़वाया था तो क्या उन्होंने उनके पैसे दिए थे? केजरीवाल ने साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के 40 MLA खरीद के उनकी सरकार गिरा देंगे, क्या ये शोभा देता है प्रधानमंत्री को? बीजेपी का जवाब, केजरीवाल से घर नहीं संभल रहा। घर आपसे संभल नहीं रहा है और गली में खड़े होकर शोर मचा रहे हो। अरे भी घर संभालो ना, अपने एमएलए पर क्यों अविश्वास कर रहे हो? क्यों उनको हार्स ट्रेडर्स हार्स बना रहे हो कि कोई ट्रेडिंग करेगा? कांग्रेस का भी बीजेपी पर विपक्ष को कमजोर करने का आरोप। ये तो भारतीय जनता पार्टी का है, एक प्रकार से उनका ये लगातार एजेंडा रहता है कि जहां भी अपोजिशन की सरकार है उसको कैसे कमजोर किया जाए। सांसद पर मतदान, विधायक पर घमासान,